और चले आगे बढ़ते हैं जयपुर से खबर सामने, जहां आपको बता दें स्कूल व्याख्याता 2018 भर्ती से जुड़ा ये मामला, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आपको बता दें। अदालती आदेश के बावजूद विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से नहीं कराने का ये पूरा मामला, जहां हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में पालना के दिए आदेश, तो वहीं पालना नहीं करने पर RPSC सचिव को 5 अगस्त को हाजिर होने के दिए आदेश। ऐसे में आपको बता दें कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने दिए आदेश और रामफूल मीणा व अन्य की याचिका पर दिए आदेश, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने रखा पक्ष। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए, बताना चाहूंगा कि 5 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता भर्ती के साथ जो अन्य जो व्याख्याता पदों की भर्ती थी, इसमें कुछ विवादित क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी जांच एक्सपर्ट कमेटी गठित करके उनसे जांच कराने के आदेश दिए थे RPSC को। लेकिन RPSC की ओर से न कोई कमेटी बनाई गई और न ही कोई इन प्रश्नों की जांच की गई। इस पर यह याचिका पेश हुई थी, कोर्ट के सामने आया कि अभी तक आदेश की पालना नहीं हुई है, तो कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है और साथ ही साथ 4 सप्ताह का टाइम देते हुए ये कहा कि पालना की जाए, अगर पालना नहीं होते हैं तो RPSC चेयर जो सेक्रेटरी है वो 5 तारीख को पेश हो जाए हाईकोर्ट में 5 अगस्त को, अपना स्पष्टीकरण दे क्या किन कारणों से पालना नहीं की गई है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश। और चलिए